जोर की। दोस्तों इस्तकबाल है आपका नजर इंडिया न्यूज में, और जिस तरह देख रहे हैं कि बंद का ऐलान किया गया है फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं, तो थोड़ा सख्ती बरत रहा है हमारा पुलिस प्रशासन। और ये रिक्वेस्ट है आपसे भी कि जिस तरह से यहाँ पे ऐलान हो रहे हैं कि ये बीमारी फैलने का ज़्यादा खदशा है, तो आप लोगों से ये हमारी अपील है। जैसे कि आप अभी देखते हैं कुछ लोग उनको हमारे जो साथ की रिपोर्टर्स भाई है वो समझा रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं रोड के उस पार वो जो पुलिस प्रशासन है वो लोगों को रोक रोक कर उन पर उन्हें समझाया जा रहा है। लेकिन और जिस तरह से मस्जिदों में भीड़ हो रही थी तो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने से भी मना किया गया, बल्कि जो मस्जिद के मुंतजमीन हैं कई मस्जिदों के, उन्होंने अजान के बाद ही ऐलान कर दिया कि आप लोग कोशिश करें कि फ़र्ज़ नमाज़ें या सुन्नत नमाज़ें अपने घर में अदा करें। तो लोगों इसका कहीं ना कहीं कुछ गलत मतलब निकाला जा रहा है कि नमाज़ पढ़ने से मुसलमानों को रोका जा रहा है, लेकिन ये अपील है कि जब तक ये वायरस के फैलने का ख़तरा है तो आप लोगों से हमारी अपील है कि कोशिश करें कि सुन्नत नमाज़ें तो आप अपने घर में अदा करें, और जिस तरह से जो कानून है उसका भी पालन करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जिस तरह से जो पुलिस महकमा है वो लोगों को रुका कर समझा रहा है कि आप लोग घर से निकलिए नहीं, यह आपकी सेहत के लिए कहा जा रहा है। तो ये छोटी सी रिपोर्ट बनाने का हमारा ये आपका उद्देश्य है, हमारा मकसद है कि आप प्रशासन की इस चीज़ को समझें, आप प्रशासन क्या चाहता है आपसे, और जो थोड़ी बहुत सख्ती बरती जा रही है या जो भी लाठीचार्ज किया जा रहा है, जैसे कुछ वीडियो क्लिप भी वायरल की जा रही है कि उठक बैठक करा है पुलिस वालों ने, तो इस चीज़ को ये गलत तरीके से ना लेते हुए कोशिश की जाए कि जो प्रशासन आपसे कहना चाहता है आप उसको समझें, और ये आपकी सेहत के लिए किया जा रहा है क्योंकि जो कोरोना वायरस है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो कोरोना वायरस है। बस इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।